हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाओ क्या बात है अर्चना जी। आज देखो आप थिएटर खुल गए हैं और थिएटर खुलने की खुशी में ये छोटे पर्दे में बड़ा पर्दा कौन लगा गया? ये पर्दा मैंने लगाया है। कप्पू, ये पर्दा मैंने लगाया है। ओए 20-20 रुपए डाल के वीसीआर देखने वाली औरत, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? यहां पे पर्दा लगाया, घर में क्यों नहीं लगाते पर्दा? उस दिन तेरे डैडी को मैंने देखा है, बाहर से दिख रहा था, तौलिया में घूम रहे थे। अरे तुम पापा को छोड़ो ना, दिवाली का माहौल है। अच्छा, दिवाली पे अपने पापा को छोड़ देते तुम लोग? अरे यार, मेरा मतलब है सेलिब्रेशन का माहौल है, come on let's celebrate। सेलिब्रेशन का बड़ा शौक है इसे। उस दिन मोहल्ले में एक लड़का लूडो जीत गया, आधा घंटा नाचिए इतने लूडो क्यों करती है ऐसे हरकतें? देखो बूढ़ी ना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। चलो कप्पू, अभी हम बड़े पर्दे पे बड़ी सी फिल्म देखेंगे। चलो आओ, कम तुम देखो, दोनों भुआ भतीजी हम है ना, काम करने वाले हम करेंगे काम। बड़ी फिल्म कप्पू, ओके फिल्म शुरू करते हैं गाइस। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? मुझे पता था तुम लोगों की नियत का, पैसे पूरे नहीं दिए होंगे। जोरदार ताली आपसे बाजी के लिए। थैंक यू बाजी, वेलकम वेलकम पैसे किस बात के लेती है तू? सारे काम मैं करूंगी, तुम क्या करोगे फिर? हाँ सर, आप लोग एक्चुअली बातचीत करो, मुझे ना एक्चुअली अपनी प्ले की तैयारी करनी है, तो मैं कपड़े बदल के आती हूँ। मुंह बदल, मुंह मुंह कपड़े मत बदल। बात बता, तू इसके मुंह के पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ? इतनी अच्छी तो दिखती है, तो अपनी फिल्म में क्यों नहीं लेते फिर? अगले महीने क्या कर रही थी? अच्छा खुशी फ्री हूँ। जाओ मुंह बदल के आओ। जाओ जाओ मुंह बदल के जाओ। एक बार अक्षय बाजी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा एक बात नोटिस किया आपने? क्या? आप देखो लॉकडाउन जब जैसे ही खुला, सबसे पहले शूटिंग करने निकले अक्षय पाजी, जैसे थिएटर खुले सबसे पहले फिल्म भी लगी अक्षय पाजी की। वाह, तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं हाँ, तेरा शो भी तो देखो ना, सोनी के अंदर इसी का शो आ रहा होता है, और क्या होता है, किस बात की दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं, मैं तो खुशी वाली बात, मैं तो ये बोल रहा था। आपने एक और बात नोट की है अर्चना? नोट बार बार उसको कह रहा है नोट किए नोट किए, वो तेरी मुनीम लगती है। हाँ बाद में तूने, ये इसकी आदत है, कोई भी शो में आपने नोट किया नोट किया, अरे कौन कौन लगती है तेरी मुनीम? चलो नहीं करता मैं, आप बात मत नोट करना, ठीक है? अच्छा, ठीक है। पर भाई मैं तो ये बोला था कि क्या कितनी खूबसूरत बात है ये। हाँ, अक्षय पाजी आज यहाँ पे फिल्म प्रमोशन करने के लिए आए हैं। हाँ, एक फिल्म की प्रमोशन चल रही है। हाँ, दूसरी का सेट बगल में लगा हुआ है। हाँ, तीसरी का प्रोड्यूसर बाहर वेट कर रहा है, चौथी का राइटर इनकी गाड़ी में हवा भर रहा है। हैं, और थोड़े दिन पहले ये बच्चन साहब के साथ भी शूट करके आए हैं। ये 100 मीटर के दायरे में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वाह, तो तू भी तो बच्चन साहब के पास शूट करके आया था? मैं तो फ्री गया था, बच्चन साहब पैसे कमा रहे हैं। चलो मेरे पैसों पे तो उनकी आंख थी, अब बच्चन साहब के पैसों पे आंख होगी। हमेशा हर शो में जब भी आता हूँ बात करता है, मतलब खुद तो दशहरा में, करवा चौथ में, धनतेरस में, दिवाली की छुट्टी पर, हम अपनी बीवी के बर्थडे पे, तब भी काम कर रहा था, हमने कुछ नहीं बोला। हर बार जब आता हूँ मेरे पीछे पड़ जाता है, मेरे पैसे मैंने कितने कमाए। आप लोगों को पता है, लोग एक गाड़ी खरीदते हैं, इस आदमी ने 3 गाड़ियां खरीदी है। सच्ची बता, तू बताता ना ये सब कुछ? सच्ची बता, ये बंदा, ये मेरे घर का भेदी। कौन कौन है वो जो आदमी 3 गाड़ियां एक टाइम पे लेता है? ये आदमी 3 गाड़ियां लेता है, बस मेरे पैसों में नजर है। ओ, शादियों का सीजन आ रहा है, मैंने किराए पे देने के लिए गाड़ियां। चलो अच्छी बात है, इतने पैसा कमाना अच्छी बात है,
लेकिन दूसरों पे नजर क्यों? Exactly. तुझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये बात आप बोल रही है, है? खुद सिद्धि जी को खा गई आप और हमें बोल रही है? वो बेचारे इधर भी कुर्सी गई उधर भी चीफ मिनिस्टर कोई और बन गया। सिद्धू जी अच्छे थे। नहीं, 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 नहीं आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, आप अच्छी हैं, लेकिन सिद्धू जी में एक बात थी। अच्छा? हर बात पे ठोको कहते थे, समझ में नहीं आया मेरे। पाजी हीरोइन कहाँ है? कैटरीना कैफ को मिलना चाहोगे? ये हटाइए पहले पीछे से। ये मैं हटाऊं? नहीं नहीं आप नहीं हटाइए। ये हटाइए प्लीज। ये कौन है पीछे मुर्गा बन के बैठा है? भैया हटा दे। प्लीज वेलकम कैटरीना कैफ। कैटरीना बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बात नोट की होगी, जैसे आई सबको हेलो बोला, आपको नमस्ते बोला, आपसे मिली, मुझसे मिली नहीं। नहीं नहीं सही बात, सही बात, सही बात। ये है रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स। नहीं ये है रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर्स। कैटरीना दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू हैव नॉट सेड हेलो टू मी। मैं मेकअप करने की कोशिश कर रही हूं। ये मेकअप नहीं कर रही, ये मेकअप लगा रही है। यहाँ okay. पर कोई जेलस खड़ा है, ये he has gone green. हमें पता है हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन मैं मतलब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए खास मैं एक अच्छी ब्लू ड्रेस पहन के आई। बहुत ही प्यारी। और अक्षय घर की के पजामास पहन के क्यों आए? हाँ मैं घर के, क्योंकि ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, इसलिए मैं पजामा पहन गया। आप नहीं है इसलिए दुल्हन बन के आई है यहाँ। मुझे लगता था पहले ये हम ही लोगों की बैंड बजाते हैं, अपने को आर्टिस्ट के साथ भी आप ऐसे ही बिहेव करते हैं। नहीं पर हमारे रिश्ता बहुत पुराने हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे मत बोल पुराने रिश्ते हमारे, ऐसे मत बोल। ऐसे मत बोल। ये भी गलत है ऐसे। तो कैटरीना को हम ज्यादा देर खड़ा नहीं रखेंगे प्लीज, वो थक जाएंगी। आप प्लीज सोफा लेके आइए। हाय बड़ी जल्दी, बड़ी फिक्र है। बस हम ही हैं लोगों की कुर्सियां प्रोवाइड करते हैं, लोगों की छीनते नहीं हम। जो तूने ज्यादा चूचू की तो तेरे कान में खींचूंगी। वाह। मेरी इस कुर्सी पर बैठने के ऊपर तू अपनी जोक्स के जाल बुनता जा, मगर मेरी भी सुनता जा। वाह क्या बात है। आगे मैं खींची तो आई थी यहाँ हरे हरे नोट से, आहा। पर टिकी हुई हूँ पॉपुलर वोट से। वाह वाह सिद्धू जी के शेर भी खा गई अब तो। तू माने या ना माने ये लाइनें मैंने खुद ही लिखी हैं। वाह। इस कुर्सी पर ये अर्चना बस यूं ही नहीं टिकी है। वाह। थोड़ी बहुत ही कॉमेडी है कभी खुद भी कर लिया करती थी, हाँ 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 हंसने से पहले ये लोगों को हंसा भी लिया करती थी। और वक्त का तकाजा है जनाब, वरना एक वक्त था ये बड़ों बड़ों के इंटरव्यू भी लिया करती थी। तो जनाब टीवी शो का होस्ट होना तो चंद घंटों की मोहमाया है, वरना इसी सोनी चैनल ने तोहरे कपिल शो से पहले हमरा अर्चना पूरन सिंह शो भी चलाया है। इसलिए बरखोदार याद रहे, जब हमने झंडे गाड़े थे तुम छोटे छोटे बच्चे थे और तुम्हारे छोटे छोटे कच्छों में छोटे छोटे नाड़े थे। वाह क्या बात है। वाह आला बनते हैं, आला बनते हैं, क्या बात है, बच्चों के कच्छों तक पहुंच गई। चलो आगे आ गया सोफा, आइए आइए प्लीज विराजमान होइए अक्षय पाजी और कैटरीना के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में अक्षय भाई ने दो तीन फिल्में शूट करके खत्म भी कर ली। अगर रोहित दो तीन नहीं चार 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 फिल्में, चार प्रोड्यूसर को खा गया हूँ मैं। अगर रोहित शेट्टी साहब इनके हिसाब से चलते तो आज सूर्यवंशी 4 का प्रमोशन हो रहा होता। पाजी सूर्यवंशी कब से लोगों को इंतजार है, क्या कारण था कि आप थिएटर खुलने का ही वेट कर रहे थे? क्योंकि एक तो बहुत 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 महंगी फिल्म है।
तो ये थिएटर खुलेंगे तो आएंगे पैसे जी, तो इसीलिए हम इसका इंतजार कर रहे थे और बहुत बड़ी फिल्म है तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म मैं और रोहित चाहते थे कि लोग थिएटर पे आके देखें, तो इसीलिए 19 महीने हम लोगों ने वेट किया। ओह माय गॉड यार। एक्चुअली कपिल, मैं आपको कपिल जी बोला, जो आपका मन करे, अब तो शादी हो गई, जो मर्जी बोलो आप। कपिल बुला लो आप। कपिल हाँ, ये आपकी शादी हो गई क्या पिया? आपकी शादी? बच्चे भी हो गए, तो बच्चों का बाप है ये। आपको क्या लग रहा है लॉकडाउन में सिर्फ अक्षय बाजी काम कर रहे थे? पर मैंने पाजी जब ट्रेलर आया था ना फिल्म का, उस समय तो ये पता नहीं था कि ये सब थिएटर वेटर बंद हो जाएंगे कोविड की वजह से, लेकिन ट्रेलर देख के लगा एक्चुअली ये फिल्म बनी ही बड़े पर्दे के लिए। तो जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स, एक्शन सीक्वेंस कमाल है पाजी, बहुत बहुत मजेदार है। नहीं इसमें उड़ तो रहे हैं लेकिन स्टोरी भी है, स्टोरी का तो बोल। नहीं नहीं बिल्कुल पाजी, स्टोरी भी है, स्टोरी तो है, मतलब हमेशा हर फिल्म में होती है, सब उड़ा ही नहीं रहे बस। हाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर OTT पे रिलीज होती तो जो 5-5 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो तो टीवी के ऊपर ही रह जाते, नीचे आते नहीं। पर बड़ी अच्छी फिल्म है। कटरीना एक बात बताइए जी, जैसे रोहित सर की फिल्में हैं जो सुपर कॉप के ऊपर वो बनाते हैं, चाहे सिम्बा हो गई या सिंगम या सूर्यवंशी, वो सारे मेल एक्टर्स हैं, अक्षय पाजी हैं, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है, आप भी एक्शन बहुत अच्छा कर लेती, मैंने आपको देखा एक था टाइगर में, आपने कभी बोला नहीं रोहित शेट्टी को कि आप मुझे भी लेके आप सुपर कॉप वाली फीमेल? एक्चुअली मैंने बोला, हम हैदराबाद में फिल्म की क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हम सबको, और फिर मैंने रोहित सर को बोला आपका जो नेक्स्ट फिल्म है आप एक फीमेल कॉप के साथ आप एक फिल्म आप जरा बनाइए प्लीज। अच्छा। और मैं एकदम तैयार हूँ, लाइक यू सर आई डू वेरी गुड एक्शन। सो रोहित सर ने कहा लेकिन आप सूर्यवंशी की बीवी है, आप उस फिल्म में कैसे आ सकते हैं? तो सूर्यवंशी को तलाक दे दो। क्या बात है सर, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। वैसे भी अक्षय, वैसे बिकॉज सिंगम, सिम्बा, सूर्यवंशी, फिर इनका भी तो नाम एस से रखना पड़ेगा, क्या नाम हो सकता पता? फीमेल का? हाँ फीमेल का। फीमेल कॉप है अर्चना जी, एक नाम दीजिए। स्वीटी? नहीं नहीं, क्या स्वीटी? नहीं वो स्वीटी नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर स्वीटी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कपिल जी एक 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 अच्छा नाम दीजिए। हसीना वर्दी वाली? आपको देखने आते हैं लोग, ये सारे आप ही को देखने, आपको क्या लगता है हमें देखने आए? देखो इतनी जल्दी, कहीं तो नहा के भी नहीं आए। अक्षय बाजी हर बार प्रमोशन बोल रहे थे ना, आ रही है पुलिस, आ रही पुलिस, लेकिन जब जब ये बोल रहे थे फिल्म की डेट आगे बढ़ती गई, लोगों ने अलग अलग मीम्स बनाए हैं इसके ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाजी, देखो 24 मार्च, 27 मार्च, 13 नवंबर, 30 तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, पर सूर्यवंशी अभी तक रिलीज नहीं हुई। आगे व्हेन यू रियलाइज कि फिर से प्रमोशन पे जाना होगा। ओहो, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ हमारे शो के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी एक फिल्म की 2 बार प्रमोशन हो रही है। हमारा तो अच्छा है, हमारे तो 2 एपिसोड बन गए, वही लव यू। आगे दिखाइए। बाबा देखकर बताओ सूर्यवंशी कब रिलीज हो पाएगी? ओ नो, व्हेन रोहित शेट्टी सेज कि एक बार फिर से प्रमोशन पर चलना है, पैसा लाया? पैसा लाया। बस बस पाजी, लो पॉपकॉर्न खाओ, ये पॉपकॉर्न है। एक काम करते हैं, आपको ऐसे करके, मतलब ऐसे मेरा पहले ही नुकसान हो गया। अक्षय बाजी नहीं कर रही है, तू बड़े अच्छे स्टंट बड़ी चीज ली चाहिए, ये तू तू ये ले ले, सेब डाल। नहीं नहीं ये पाजी देखो, तो आपको ये पॉपकॉर्न डालने ऐसे करके करके दिखाइए पाजी, गिरना नहीं चाहिए, 5 बाट ऐसे ही मजा करते, थिएटर वाली फीलिंग, थिएटर खुल गए। अब आपकी बारी। One at a time, darling. One. Hey, wait! ऐसा नहीं। एक होता ना कैच आ रहा है तो बंदा आसपास करता है। एक सेकंड। थोड़ा और बड़ा चाहिए था। एक सेकंड। ये मेरे को दे दो, अगर बैलेंस खराब हो रहा है तो मेरे को पकड़ा दो ये। हाँ। ओके, थर्ड चांस, एक और चांस। एक एक काम कर, तू 5-6 फेंक, एक आ जाएगा। What shot? Yeah!
फाइनली तो ये हो गई रिहर्सल। तो मुद्दा ये है कि आपको एक दूसरे के ऊपर फेंकना है और आपने लपकना है। अक्षय भाई थोड़ा बहुत मैच्योर गेम, ये यहाँ बुला के बेइज्जती करने का नया तरीका। ये क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हो यार? समझ नहीं आ रहा। अब एक दूसरे पे पॉपकॉर्न मारो, क्यों? चलो चलो क्यों? ऐसे ही जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। ऊपर तो फेंक चाची। ओके नहीं, आपने जानबूझ के किया। वो जो करवा रहे हैं वो देखो, आराम से ना साइड में बैठ के। मेरा अपने दिल कर रहा था, मैंने काम पे लगा दिया। अभी अभी देखिए, मैं बराबर एक सेकंड, ये आराम से साइड में बैठकर पक। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, चलो बस नील ऑल, लास्ट लास्ट, बहुत बढ़िया, लास्ट लास्ट। हड़पने में तो माहिर है अक्षय भाई। कैटरीना जी, अब तू पकड़ के दिखा। एक सेकंड, अब मेरे साथ। अरे नहीं, ये तो मर जा, गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन करेगा। ये नीचे गिरने के बाद उसे वहां खा ले, उठा के खा लेगा। अक्षय कुमार जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कैटरीना जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी। पुलिस स्टेशन चल, पुलिस चलना है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हुआ क्या, मैं ATM से पैसे निकाल रहा था। ये आदमी मेरे क्यों पीछे पड़ा है, आई डोंट नो। सर, ATM में कार्ड डालकर पैसे निकाले जाते हैं, ये ATM मशीन खोल कर पैसे ले रहा था। कुमार साहब, मैंने कार्ड डाला, कार्ड डालने पे लिख कर आया फंड इनसफिशिएंट। मैं तो खोल के चेक कर रहा था कि फंड है या नहीं। उसके अंदर फंड थे। आप वहां पे चोरी कर रहे थे, और सर इन्होंने ना CCTV के ऊपर कपड़ा भी डाला था। बोल। नहीं, वो तो मैं अपने कपड़े सुखा रहा था, मेरे कपड़े गीले थे, मैं सुखा रहा था। यार, CCTV के ऊपर कौन कपड़ा सुखाता है? उससे फायदा है सर, मैं आपको बताता हूँ। CCTV पे कपड़ा डाल दिया, अब वहां कोई चोर आया, उसने मेरा कपड़ा चोरी करने की कोशिश की, तो CCTV पे वो दिख जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। आप मेरे साथ ना पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं, रुको यार सर, वन मिनट उतना ले दे के खत्म करते हैं। चल 500 डाल दो इसमें। मैं क्यों डालूंगा इसमें 500? ओके, मैं डालूंगा। अरे मतलब तुम घूस मांग रहे हो, पुलिस के सामने घूस मांग रहे हैं? नहीं, घूस नहीं, घूस नहीं, 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 नहीं है यार, तू हद होगी तेरी। आप क्यों चिंता करते हो, कपड़े चोरी हो जाएंगे, आपके कपड़े आएंगे किसी को? अरे कुमार साहब, मैम कैटरीना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। सर, मैं आपको बता दूं, माय नेम इज दामोदर जेठ मलानी। मैं इस मोहल्ले का बहुत पहुंचा हुआ वकील हूँ। वैसे तो आपका पेट भी बहुत पहुंचा हुआ है, घुटने तक पहुंच गया है। कम करता, कम क्यों नहीं करता तू? मैं कोशिश की सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इधर मैं क्या? हाँ, इधर वकील जी। वैसे इदर, फिट कैसे होगा? इधर बैठ, एक सेकंड। या बैठ। हाँ हाँ, मैं बैठ गया हूँ। ओए बैठ बैठ, तू एक छेद से पतला नहीं होगा, बहुत छेद चाहिए तेरे अंदर। मैं सर कोशिश की है पतले होने की, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पर रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। जैसे एक महानुभाव ने मुझे कहा कि बॉइल्ड खाओ, तो मैंने अपनी बटर नान को बॉइल किया, खराब हो गई। मैंने छोले भटूरे भी बॉइल किए, वो भी खराब हो गए। आपको सब्जी बॉयल करना चाहिए, सब्जी। ओ, ये उसने बताया नहीं ना। कैरेट, गाजर, कच्ची सब्जी, पकी सब्जी। कोई सही राह मुझे दिखा नहीं रहा है। हाँ, ये जो कद्दू रखा ना ऊपर, इसको उबालो। ये तोड़ के पियो, गर्मियों में ठंडा होता है ये। क्या बात हुई यार सर। लेकिन अक्षय साहब, बोलिए, आपने बताया नहीं। क्या बताया नहीं? अच्छा, मैंने पूछा नहीं क्या अब तक? नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए। अरे बात देखी आपने, मैंने पूछा भी नहीं, इन्होंने बताया भी नहीं। हाँ तो बिना पूछे कोई क्यों बताएगा? ये मैंने आपसे पूछा। Very good, नहीं पूछा।
फिर भी इन्होंने बताया तो बताया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूछ रहा था सर, आपकी काफी फिल्मों में देखा आप हेलीकॉप्टर में आते हैं, मैं खाली जानना चाहता हूँ ये हेलीकॉप्टर विरार से आता है क्या? क्यों ये हमेशा बाहर लटके रहते हैं यार, अंदर जगह ही नहीं होती है बैठने की। लेकिन सर आपकी इस साल की तीसरी फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ये इस साल की दूसरी फिल्म है यार, ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा उसके पहले तीसरी आ जाएगी। रिपीट टेलीकास्ट होगा उसके पहले चौथी भी आ जाएगी। ही इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ही इज फास्टर देन शताब्दी, आई एम नॉट किडिंग। खैर सर, सूर्यवंशी के लिए जोरदार तालियां। आप क्या, मैंने फिल्म देखी, ओ हो कमाल लग रहे हैं आप, कमाल। एंड यू आर लुकिंग जॉर्जियस, जॉर्जियस, जॉर्जियस नहीं होता, या समथिंग लाइक दैट, ब्यूटीफुल। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपके पास लाइफ जैकेट होगी? क्यों क्यों? क्योंकि आपकी झील जैसी आंखों में मैं डूबता चला जा रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में आप कैटरीना के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? ब्रदर, एज इज जस्ट ए नंबर, और नल ठीक करने वाला इज जस्ट अ प्लम्बर। प्लम्बर कहां से आ गया? प्लम्बर दरवाजे से आ गया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो। अभी अभी इन्होंने पूछा प्लम्बर कहां से आया। मैं बताता हूँ तो कहते मैं ये नहीं पूछ रहा, ये चीटिंग है ब्रदर, ये गलत बात है। देखिए आप यहाँ पर विटनेस हैं और आप यहाँ पे क्यूटनेस हैं, आपने सुना इन्होंने क्या कहा। एक्सक्यूज मी वकील जी, मैं विटनेस हूँ और क्यूटनेस, दोनों। आप दोनों हैं, दोनों हैं, टू इन वन। एनीवेज आई विल जस्ट गेट कंफर्टेबल। ऐसा देखिए, मैं आपसे यही बात जानना चाह रहा था कि इफ यू हैव लाइक ए लाइक यू इफ यू हैव ए नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए आज। प्रमोशन के लिए जान लड़ा देते हैं हम, ये पकड़ लोगे थोड़ा, मैं जरा बातें कर लेता हूँ। तो यार मैं कह रहा था, सेट कर रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे सेट होती है, सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक बाप बात करिए। मैं कह रहा था कैटरीना दी, देखिए ये गलत बात हो गई, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, इन बातों में नहीं पढ़ते। कैटरीना जी, मैं कह रहा था आपको देख के ना मुझे मेरे फूफा याद आ जाते हैं। फूफा कैसे याद आ गया? नहीं, क्योंकि मेरे फूफा हमेशा कहा करते थे कि दामोदर तेरी जिंदगी में कभी खूबसूरत लड़की नहीं आएगी, और इत्तेफाक देखे आप मेरी जिंदगी में नहीं आए। वो तुम्हारी जिंदगी क्या, तुम्हारे मोहल्ले में भी नहीं आएंगी कभी। ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगा नहीं यार, लेकिन सर आपको देख के मुझे मेरी नानी याद आ जाती है। नानी कैसे मतलब? क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत भाई आपसे। क्यों? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर से मैं काफी कंपोज लग रहा हूँ, अंदर से मेरी अंतड़ियां कांप रही हैं। पाजी ये ना, ये थोड़े ना हैं ऐसे, मुंह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बैठिए बाप, बैठिए आराम से, दिखाइए जरा इनका वीडियो। अक्षय कुमार है, इनसे कहते हैं कि दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। दिलाया? नहीं दिलाया। नहीं, वो अच्छा है, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पर मेरा भरोसा उनसे सुबह 3 बजे ही उठ गया था। ये जो आप बोल रहे हैं, ये बात अगर अक्षय पाजी को पता चली तो। मैं लड़ता नहीं हूँ, उनके पास ब्लैक बेल्ट है तो मेरे पास ब्लैक कोट है। हाँ जी यार, ये देखो ये पुरानी बातें हैं, हम सब भूल जाते हैं पुरानी। एक मिनट जी, आपका जी आपका वक्त बाद में आएगा, आप बैठिए। नहीं सर देखिए, ये क्या था, ये झूठ है, ये लोग बुलवाते हैं ये लोग। नहीं, एक बात बोलूं, देख बेइज्जती करनी है सामने कर, सामने कर, पीठ के पीछे। मैं तो करना ही नहीं चाहता। नहीं, पीठ के पीछे। ए अलग है रे, अलग है उनका, अलग है उनका, अलग है उनका, अलग है उनका। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, चलो, अरे सुनो तो, अरे चल यार, अरे पीछे, अरे भाई, लेकिन यार, अरे क्या बात है, लेकिन अरे यार, बुआ, अरे भाई।
दादा प्लीज छोड़ दो, ऐसे ही थोड़ा डराना था बस इनको, डर गए ये। ए सोडून दे तेला। अरे कुठे घेऊन गेला? अगली बार सामने, मैं पीठ के पीछे नहीं, नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई राइटर लिख के दे, चाहे ये आदमी कुछ बोले, चाहे अर्चना जी कुछ समझाए, आपने सबके सामने बोलना है, मेरे सामने बोलना है। नहीं मैं सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं रिस्पेक्ट मैंने देखी। ये रिस्पेक्ट थी। कुछ तो शर्म कर, तुमको बोलो यार। ये तो बैठे ही आग लगाने के लिए ये लोग। बोलो है, तू तो इतना बड़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं आप अब रिलैक्स रिलैक्स। मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कुमार साहब, कि हम कुमारों का नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो आपने। आप कुमार कहाँ से हैं अभी? यार मैं हर बड़े आदमी के साथ अपना नाम जोड़ लेता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। वकील साहब आप उन दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये आपको लग रहा है दोस्त? अच्छा। कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? हम और आप जब बात करते हैं ना, हाँ। कुमार साहब उस कैमरे में देखे ऑलरेडी 3 एड शूट कर चुके हैं। ये देखना ब्रदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, जाते जाते आपके 4 स्पॉन्सर ले जाएंगे ये। आप खड़े रह जाओगे यहाँ पे, अब सिर्फ तारीफ होगी। हाँ मैं बता रहा हूँ। वैसे सर मैं कह रहा हूँ, मैं वकील भी हूँ, तो कभी आपको ऐसा कुछ TDS वगैरह भरना हो तो मुझे बताइए, मैं भर दूंगा। वकील कहाँ भरते हैं TDS? वहीं भरते हैं जहाँ सब भरते हैं। मैं कौन सा सांप के बिल में भर दूंगा यार। वकील साहब हाँ, दफा हो जाइए और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा यहाँ आना नहीं आपने। यार मैं कान की चाबी घर में छोड़ आया हूँ, आज खोल नहीं पाऊंगा। मेरे पास है। ये तो ताला तोड़ने वाली बात नहीं ना, ये कान खोलने वाली बात नहीं है। ताला मत खोलो। नहीं देखिए मैं चलता हूँ, क्योंकि देखो आ रही है पुलिस तो जा रहा है वकील। एक तरफ चिकनी चमेली, हाँ। एक तरफ बूढ़ी हवेली। वाह क्या बात है वकील साहब। वाह यार ब्रो, वाह शुक्रिया। कैटरीना, अक्षय पाजी, आप दोनों सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं। तू तो नहीं रहता। मैं आजकल कम रहता हूँ थोड़ा। तो आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं या कोई है ना अपनी फिल्म का प्रोमो डालते हैं कुछ भी, लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम निकाल के रखते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं प्लीज। ये कैटरीना ने एक अपना फोटो डाला, उस पर लिखा वाइब्स। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। वाइब्स? नहीं, वो सिंबल देखा आपने? जी दिवाली वाइब्स, नॉट वाइब्स। राइट अभी नीचे वाइब्स देखिए लोगों की क्या है। शादी के लिए यही फोटो भेजना, आपकी शादी का जल्द ही योग बन रहा है, जन्म पत्री कुंडली और भाग्य जानने के यहाँ से नजर नहीं आ रहा। नीचे लिखा आप एयर इंडिया में लग जाइए, मैं आज ही सारी टिकट बुक कर लूंगा। और दिखाइए। ओह गॉड, ये असली है क्या? हाँ तो मुझे ये खुद लिखते हैं क्या ये लोग? ये कमेंट कितना, ये कमेंट कितना अच्छा है। ये कौन फूक मारता है जो हर एक्ट्रेस के बाल उड़ते रहते हैं? क्या बात है, क्या बात है, मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। जिनके पास पंखा है, ऐसे ब्लोअर, और ऐसे ऐसे आपको देख के, एक्ट्रेस को देख के ऐसे आपको फॉलो करते, को, हाँ, फॉलो करते ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आपको बाल ऐसे ऐसे ऐसे। वाह सारी अंदर की बातें बता दी आज, कैसे उड़ते हैं हीरोइन के बाल। नीचे किसने लिखा है आपने ब्लाउज पे शर्ट की बाजू लगाई हुई है जो इतनी लंबी है? मैडम मेरी फाल पीकू की दुकान है, मैं आपका फोटो यूज कर सकता हूँ, मंथली 4,000 मनी ऑर्डर कर दूंगा। आगे और दिखाइए। लो जी पिक्चर देखने के बाद व्हेन राजू नोज दैट सच में 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। दिखाइए जरा कमेंट। अक्षय कुमार ही है, फिल्म में तो सारी जगह ले ही लेता है, सोफे पे भी ले ली।
सच में बड़ा डायरेक्टर है, अक्षय कुमार को गोद लिया हुआ है। नीचे पाजी के फैन ने लिखा, अरे नहीं, अक्षय सर ने उन्हें तकिया रखा हुआ है। आगे और दिखाइए। ओके कैटरीना, मिसिंग क्रिकेट, ऑलवेज रेडी टू प्ले। चलिए दिखाइए जरा। मैडम बैट नहीं, किसी बैट्समैन का हाथ पकड़ो। ओह गॉड, किसी ने रिप्लाई लिखा, अबे क्रिकेटर का हाथ तो सब पकड़ लेती हैं, कोई हॉकी वाले का भी पकड़ो। नीचे किसी ने लिखा है, भाई कबड्डी वाले भी हैं। उसको रिप्लाई किसी ने लिखा, तुम एक दूसरे की टांग पकड़ो। और दिखाइए। कॉन्वर्सेशन है ये, कमेंट नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। हाँ, नीचे रिप्लाई करते ना लोग एक दूसरे, पूरा लंबे लंबे रिप्लाई देते एक दूसरे। स्पेशल फिल्म स्पेशल स्टार टीम राम सेतु ऑफ टू अयोध्या फॉर द मुहूर्त शॉट। ओके द नीचे देखते हैं कमेंट्स। जैकलीन है, नुसरत है और अक्षय बाजी। ओके देखो, चार फिल्म में मेरे साथ कर लोगी तो ये प्लेन खरीद लोगी। वरना आजकल तो ऑटो भी महंगा लगता है। सोचो कितने बड़े आदमी का प्लेन होगा जिसने तीनों को एयर होस्टेस रखा है। और दिखाइए। अक्षय बी लाइक, प्लेन तो मैंने ले लिया है, तुमको कोई आइडिया है ये उड़ता कैसे? बस और आने चाहिए। आज बहुत छोटा था। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पोस्टमार्टम? पोस्ट का पोस्टमार्टम। पोस्ट का पोस्टमार्टम आज इनका करे। पाजी मेरी दुकान है ये यार। कोई बात नहीं, तेरी दुकान है तो क्या है। मैं कभी आपकी चलती फिल्म में आया हूँ, आप मेरे हो, पर मैं आपकी फिल्म में आया हूँ कभी? जब मैं तेरे शो पे आता हूँ मैं तेरे से पैसे लेता हूँ। नहीं, तू मेरी फिल्म पे पैसे मत लियो। अब नहीं बोला, अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। पाजी आप बुलाओ यार कभी भी, मैं तो भाग के आऊंगा। दिखा भाई। ओहो मेरी कौन सी फोटो आ गई। ओह वाओ, ये तो हैंडसम मैन। कांट स्माइल विद प्रोटीन सैलड, गिव मी पराठास विद बटर एंड देन सी माय हैप्पीनेस, शूट शूटिंग समथिंग न्यू। क्या बात है, क्या लिखा है वाकई में। इतनी बेटे, ये कौन कौन तेरी हेल्प किया, सच्ची बता, ये तू नहीं लिख सकता। कांट स्माइल विद प्रोटीन हैशटैग सैलेड, अबे तुझे कहां से आ गई है, ये कहां से आता तुझे, क्या लिखा लिखा मैंने खुद लिखा है। दिखाना आगे क्या कमेंट आए इनके, इतनी इंग्लिश कैसे आ गई। ये चम्मच खाने के लिए होते हैं, लड़ने के लिए नहीं, पकड़े ऐसे हैं जैसे बादशाह अकबर ने तलवार पकड़ी हो। फोटो खिंचवा लो, बाद में खाना तो आपको वड़ा पाव ही है। आगे सर, सेम जैकेट मेरे दादाजी के पास भी है। उन्होंने तो झांसी स्टेशन से 700 रुपए की ली थी, आपको कितने में पड़ी है। चलो आगे, अर्चना जी। ओ, अब आएगा मजा। अर्चना जी कह रही है फ्रॉम मड टू मैनहट्टन। देखे लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हाय रब्बा। हाँ, सोनी को लूट के विदेश यात्रा करती महिला। आगे कोई मैनहट्टन में नहीं है, ये मेरे स्टूडियो में ही खिंचवा के एडिट किया है। पैसे भी नहीं दिए, बोली इंस्टाग्राम में क्रेडिट दे दूंगी, वो भी नहीं दिया। ये वाला मुझे फ्री दे दो, आपको कपिल के शो में एंट्री करवा दूंगी। चले आगे। ओहो, ये देखो, कृष्णा, वर्किंग टू हार्ड, आज तो ट्रेनर ने हालत खराब कर दी, बट डिंट बैक आउट, जस्ट टेलिंग माई सेल्फ कीप इट अप कृष्णा, कीप गोइंग, सून गोना बी द बेस्ट, वर्किंग हैशटैग वर्किंग हार्ड, हैशटैग डोंट गिव अप, हैशटैग स्वेट इट आउट। वैसे उसकी बॉडी वाकई में ऐसी है, बनाई है इसने, अच्छी ऐसी। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, कमेंट्स पे चलो।
क्या फायदा बॉडी का कपिल के शो में, तो लड़की बन के भाई बॉडी मत बना, मामा को बना। भाई बॉडी मत बना, मामा को बना। आगे बस भाई, कब तक सांस रोकोगे? दिख गई बॉडी भाई, सांस छोड़ दे। शारदा, ठीक है? With this security, I'm more than secured. Hashtag Dubai. वे क्या कमाल की तीन सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं? चलो कमेंट्स कमेंट्स। देखो आप, मुझे नहीं लगता इसके हैं। रज्जो गुंडों में फंस गई। यहाँ जोक सोच समझ कर सुनाना, अगर पसंद ना आए तो ये लोग आपका पिटारा खोल देंगे। ओके आगे शिमोना जी, हे सांता, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेक 2021 मेरियर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। ऐसी चीजें बहुत करती है। हाँ जी, सामने रुमाल तो बिछा लो। क्या हुआ मैडम, ये काम भी नहीं चल रहा आपका? अच्छा, आप भी बंगाली हो, मैं भी बंगाली हूँ, चलो मिठाई की दुकान खोलते हैं। खत्म। दादा गाना बंद हो गया। जगू दादा गाना बंद। अरे बड़ो, अरे 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 बड़ो, दिवाली का मौका है ना, मैं पत्ते लगा रहा था बड़ो। आप पत्ते लगा रहे थे? अबे झाड़ के पत्ते लगा रहा था बड़ो। झाड़ लगाने का बड़ो, लोग पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। मैंने बड़ो इतना झाड़ लगाया, झाड़ लोग मेरे फैन है मालूम है। अच्छा, आज देखो एक झाड़ खुद मिलने आया मेरे को, ये देखो कौन सा झाड़ है भाई, नींबू का। चलो चलो, हो गया तुम लोग का बड़े लोग, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है बड़ो, लव यू लव यू लव यू। ये जगू दादा नहीं, कृष्णा आपके पांव पड़ रहा है बड़ो। मैंने पहले देखा, सबका वीडियो दिखा रहे बड़ो इधर। खैर बड़ो, ये क्या बड़ो, अकेले अकेले प्रमोशन पे बड़ो, जगो इज हॉट, जगू ऊपर वाला है बड़ो। मैं बड़ो जगू हॉट है बड़ो, जगू हॉट है। पर आप तो नकली जगू दादा हो। नकली और असली क्या होता है? अरे दादा, तेरे को मालूम है? नहीं। असली भी मेरे बहुत बड़े फैन है। अच्छा, यकीन नहीं आता, अभी फोन लगाता हूँ मैं। अच्छा, हेलो दादा, लव यू दादा, ये कपिल मेरे को नकली नकली बोलता है दादा, आप बताओ आप मेरे कितने बड़े फैन हो दादा? कृष्णा बड़ो, टू गॉड, यू आर फैंटास्टिक ब्रो, फैंटास्टिक। थैंक यू दादा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादा, थैंक यू। कृष्णा बड़ो, टू गॉड, यू आर फैंटास्टिक ब्रो, फैंटास्टिक। थैंक यू दादा, थैंक यू बड़ो, टू गॉड, यू आर फैंटास्टिक ब्रो। अबे कौन है रे उधर पीछे बैठे ना, ए टू गॉड, अबे क्या लूप लगाएला रे, कौन तुझे आयशा का आवाज बंद कर रे, कौन बैठे ला रे उधर पीछे, अला इसका पगार काटो रे। लव यू बड़ो, लव यू। अक्षय जी, मेरा बच्चा है तू। कैट, मेरा रिश्तेदार है तू। ये कैसे हुई रिश्तेदार आपकी? मैंने बचपन में सुना था कि टाइगर की मौसी कैट रहती है। खैर लेकिन कैट बड़ो, मैं कभी कभी बड़ो मैं इमोशनल होता हूँ बड़ो, मैं बड़ो दादा, अरे नहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दादा। बड़ो कटरीना कैट, मैं बहुत इमोशनल होता हूँ बड़ो। कैट ने मेरे बेटे पे बायोपिक की, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन सी बायोपिक? एक था टाइगर।
एक नहीं बल्कि दो दो बायोपिक की टाइगर जिंदा है। कैट आई रियली लव योर वीडियोस। ए मैं आपका एक्सरसाइज का वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बड़ू, मेरे को हमेशा अपने दोस्तों की याद आ जाती है। क्यों? ये वो वाली एक्सरसाइज करती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पिलाटे। हाँ, तो जब भी दोस्त लोग मेरे घर पे आते हैं हम उनको पिलाटे, वो हमको पिलाटे। यहाँ तक कि पिलाटे पिलाटे चार भी बज जाते, फिर पिलाटे उधर ही खिलाटे उधर ही नहलाटे। वाह बड़ू, ऊपर वाला है बड़ू। बड़ू माय ऊपर वाला है, माय बड़ू बड़। खैर अक्षय जी, आपको बहुत रियलिटी शो में देखता हूँ। जब भी जाते हैं वो इस बात क्या, 9 बजे सोते, 4 बजे उठते, 9 बजे सोते, आप पक नहीं गए? बहुत पक गए। मैं भी पक गया हूँ, इसलिए मैं नया लेकर आया हूँ। क्या? मैं आपको बताऊंगा ये 9 से 4 के बीच में क्या करते हैं। क्या? ये घोड़े खरीद के सो जाते हैं। घोड़े बेच के सोते हैं? जो जो बेचते हैं उनसे ये खरीद लेते हैं। तबे बड़ो मार्केट में अक्षय पाजी के घोड़े दौड़ रहे, एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़ो लोग। माय बड़ो पर्सनल माय बड़ो, अभी पतला हो गया ना, सब कर लेता हूँ देखो। माय बड़ो पर्सनल, अक्षय पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बड़ो। माय खिलाड़ी 420 देखा उसमें ऐसा प्लेन के ऊपर खड़े होकर मजबूती से बड़ो। फिर उसके बाद सूर्यवंशी देखा उसमें वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक के। मेरे को आपसे पूछने का था, अंदर बैठ के क्यों नहीं जाते हो? नहीं, अंदर बैठने का कितना लोगे? दादा दिवाली का मौका है, कुछ लेके आए कि नहीं आप? क्यों नहीं लाए बड़ो, आजा। पेड़ लगाने का बड़ो लोग। कैट कैट ये लो पेड़ लगाओ, इसमें आप आम का पेड़ लगाओ। ओके। ये क्यों उगाएंगे आम का पेड़? अरे मैंने इनको देखा है बेचारी रसीले आम खाने के लिए ऐड करती हैं। खुद का आम लगाने का मस्त खाओ, एंजॉय करो। अक्षय जी बड़ो आप इसमें चीकू का झाड़ लगाओ। ये कहाँ चीकू को ऐड करते हैं? ऐड नहीं करते, क्या चीकू खाने का नहीं क्या? क्या बात करता है बेड़ू। बाय द वे मेरे को लगता है ये आम का पेड़ था वो चीकू का। तो मैं कौन सा जग्गू हूं असली? बड़ो मैं अर्चना को बहुत टाइम से जानता हूँ, स्ट्रगल टाइम। मुझे आज भी याद है मैं फिल्म सिटी में बड़ो ऐसा घूमता था इधर, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था और ये औरत ये महंगा महंगा काला चश्मा पहन के इधर घूमती रहती थी फिल्म सिटी में। क्यों? इसका वेल्डिंग का काम था ना। खैर बड़ो लोग, इतने बड़े बड़ो पिक्चर आ रही थी आप लोग की, मैं की चीज बोलूंगा आप मस्त गाने बड़ो पिक्चर में आपके। चलता हूँ बड़ो मैं, लव यू। अक्षय पाजी फिल्मों में कितनी बार पुलिस वाले बने हैं, कितनी बार गन चलाते हैं? पाजी आपका आज निशाना चेक करते हैं, प्लीज यहाँ पे लेके आइए। ये उल्टा है, ऐसे ही रहेगा, ऐसे हाँ ऐसे ही रहने, ऐसे ही रहने चलेगा। कटरीना कम, हमेशा की तरह मैं कटरीना से एक सवाल करता हूँ, हुम डू यू लाइक मोर, कपिल और मी? ऑफ कोर्स यू। चलो ठीक है फिर, यू लाइक अक्षय पाजी मोस्ट, ओके। सो फिर आपने सारे जो बॉल्स हैं वो इसके इनके मुंह पे मारने, मेरे मुंह पे मारने आपने। सो यू हैव टू, बिकॉज यू लाइक मी यू हैव टू हिट ओनली हिम एंड यू हैव टू अवॉइड अक्षय'स फेस, अवॉइड मी, ओके, एंड वेयर द बास्केट इज फ्रॉम देयर। गो कैट गो, यू कैन डू दिस। अक्षय पाजी को ही हिट अरे किया, नहीं, देखा? नहीं नहीं नहीं, कपिल असली प्यार जीत रहा है। By the way, you have to hit it hard, you have to tear it. चलो
अरे टिप टिप अरे मारना एक एक तो कुछ तो फाड़ ओके एक पांच में से जिसके तीन मारे तीनों यक्षबाजी पे अभी एक और कबाल आई एम सो प्राउड ऑफ यू कैटरीना कम ऑन कम ऑन अगेन अक्षय कैटरीना का प्यार बहुत खतरनाक है ये तो व्हेन शी लव्स यू अभी तक हमारे खिलाड़ी ने तीन बार जो है वो हिट किया हर तीनों बार अक्षयबाजी के मुंह पे क्या चलो अभी मैं एक चीज ट्राय करती हूँ क्या मैं आपकी अक्षय की तस्वीर पे मैं एम करूंगी फिर शायद आपकी तस्वीर पे आ जाएगी एक सेकंड तो मैं वैसे ही होएगा देख लेना उसी की तस्वीर जाएगी अरे एक तो सही बार ओके ओके ये है लो जी मोहब्बत जीत गई है ओए वो गिर जाएगा पूरा ओए सही निशाना कपिल, मारते हैं कपिल तू कर सकता है एक एक कर सकता है ना पिछो 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 हाँ बस अबे एक तो मार कुड़ी नू ना मार दे ओके ले जा भाई ले जा चलो साथियों आप सब जानते हो लॉकडाउन की वजह से सूर्यवंशी जो है दो तीन बार पोस्टपोन हो गई मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई है जिसका लॉकडाउन की वजह से काम खराब हुआ हो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं जी मैडम मैडम को माइक दीजिए उधर पिंकी टिपू सिद्धू पाजी होते पक्का बोलते हैं हेलो सर नमस्कार हेलो हेलो कपिल सर हेलो अक्षय जी हेलो मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ सर यहाँ पर हूँ हेलो अर्चना मैम आप गुजराती हैं जी सर जैसे आपका फिल्म जो था वो पोस्टपोन हो गया वैसे मेरा प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया बहुत बार कौन सा प्रोग्राम सर मैं और मेरे प्रोग्राम क्या होता है मैं उन्होंने बोला मेरा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया हाँ, मेरा मैं और मेरे हस्बैंड माउंट आबू रोमांटिक जगह पर जाने वाले थे हिल स्टेशन पर बट लॉकडाउन के हिसाब से हम लोग नहीं जा पाए गुजरात में भी तो कितनी जगह है हाँ सर तो फिर जैसे कैंसिल होता गया फिर हम लोग गुजरात गए टेम्पल पे और वहाँ पे माता रानी को प्रे किया कि भाई हम लोग जा सके माउंट आबू और फाइनली हम जाके आए माउंट आबू रोमांटिक जगह पर तो जब तक आप माउंट आबू नहीं गए आपने प्रोग्राम पोस्टपोन ही रखा लॉकडाउन था तो कहाँ से जा पाएंगे सर नहीं नहीं पति घर में तो थे ही ना लेकिन फैमिली फैमिली थे तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे सोती होगी फैमिली कभी तो किसी टाइम जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप हाँ ये तो होती है प्रॉब्लम जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई जागता ही रहता है ना जागता ही रहता है और मेरा बेटा है वो भी जागता ही रहता है मोबाइल खेलता रहता है अच्छा। हाँ बच्चों को पता है ना हम सो गए तो जायदाद के हिस्सेदार आ जाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हंसी के देवता कपिल जी ओहो हंसी के देवता एक्शन सम्राट अक्षय जी सुंदरता की मूर्ति कैटरीना जी वाह ओहो और ठाकों की रानी अर्चना जी ओहो थैंक यू
अच्छा मुझे लगा पराठों की दाल। ठहाकों की, ठहाकों की। सबको सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। गुड़गांव से मैं राजेंद्र निगम राज। आपका क्या फायदा हुआ जनाब? फायदा नुकसान, जैसे पिक्चर की डेट पुश होती रही बार बार, ऐसे हम लोग कवि हैं, गीतकार हैं, कविता पढ़ने जाते हैं मंचों पे, तो उनकी डेट बुक हो जाती पहले से ही जी। तो वो लॉकडाउन चक्कर थोड़ी पुश होती रही, दो बार तीन बार पुश हो गई, जब आगे बढ़ गई तो हम लोग परेशान हो गए, अब क्या करेंगे, आमदनी का जरिया भी थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा जी। तो उसके बाद सोचा गया कि ये ऑनलाइन तरीके से अगर हम लोग जुड़े तो ऑनलाइन हम लोग फिर आने लगे और धीरे धीरे कविताएं पढ़ने लगे तो लोग जुड़ने लगे, और जो लोग पहले आते थे उससे ज्यादा लोग जुड़ गए, देश विदेश के लोग जुड़ गए, श्रोता बढ़ गए, दर्शक बढ़ गए और हमारे बढ़ गए, मित्र बढ़ गए, बहुत ही आनंद आया हम लोगों को। और उसी दौरान कविताएं बढ़ गई हमारी, और चार लाइनें मैंने अभी यहाँ बैठ के लिखी, आपके लिए एक माहिया लिखा है टप्पा जी, जी अक्षय जी को समर्पित है। हाँ जी, कठिनाई जी को कि अभी यहाँ लिखी है आपने? बिल्कुल, यही कई बार कवियों की आदत होती है, मैंने अभी भी लिखी है, अभी लिखी 3 साल पहले होती है। अच्छा जी जी प्लीज सर। अक्षय को मनाना है, अक्षय को मनाना है, कैटरीना 4 बजे जॉगिंग को जाना है, कैटरीना 4 बजे जॉगिंग को जाना है। क्यों? Because leave except... अच्छा हाँ। अक्षय जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी धर्मपत्नी आई, ये भी कविता करती है, ये भी आपको दो टप्पे सुनाएंगी। नमस्कार, पहली बार हुआ पति पहले बोला है। हेलो कपिल सर। नमस्कार मैम। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से आई हूँ, और हम लोग दोनों ही आपके शो के बहुत 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 बड़े फैन हैं। थैंक यू मैम। खूब देखते हैं। आप दोनों की लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। एक आप भी कविता लिखती हैं? जी, मैं भी कविता लिखती हूँ। अरेंज मैरिज में दोनों आपको एक है, कवि और कवियत्री, वाह। एक दूसरे की कविता सुन के बात तय हुई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बाद में सुनाया एक दूसरे को। कपिल सर, एक दो माही आपके लिए। रोते को हंसाता है, रोते को हंसाता है, कपिल तुम्हारा शो मन में बस जाता है, कपिल तुम्हारा शो जीवन दे जाता है। और एक लाइन गिन्नी जी को भी देती हूँ उसके लिए। तू एक अशरफी है, सब कुड़ियाँ फीकी, गिन्नी तो बर्फी है, सब कुड़ियाँ फीकी, गिन्नी तो बर्फी है। ये तो हमें पता है ना, बर्फी है कि नमकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी नहीं, तेरे पिताजी भी सटके हुए हैं। तू क्या, ये क्या कर रही है तू, भूरी ये सब? भूरी नहीं, इंस्पेक्टर भूरी कहो। मैंने समाज की बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। वाह, पहले तो पिताजी की बीड़ियां उठाती थी, अब तू बीड़े उठाने लगी है? पुलिस से मजाक महंगा पड़ेगा कप्पू शर्मा। पुलिस का तो मेरे को पता नहीं, चैनल को तेरा मजाक बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये 4 डांसर लेके आई तू, इतने पैसे लगवा रहे एंट्री पे, कैसी पुलिस वाले की रिवॉल्वर जैसा मुंह है तेरा। जितने स्पॉन्सर्स तुम्हारे शो में है ना, सस्ता तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो सिंगम बेचारा अजय लगा हुआ इतना, और इसने यूं यूं किया छोटी सी। सर पंजे का साइज छोटा है ना, क्या करे? तूने पूरा, तूने ऐसा किया भी नहीं। हाँ अब बराबर है, तूने यूं यूं किया। हाँ, ये क्रिमिनल नहीं पकड़ती ना, उनके चूजे पकड़ती है। मैं गेस्ट से मिल लूं? कटरीना मैम, अक्षय सर, आप दोनों को जान के बहुत बहुत खुशी होगी। उनको कोई खुशी नहीं हुई। आगे अरे मुझे अपनी पूरी बात तो करने दो। मैंने सोच रखा है ऐसी बात, मैंने पूरी होने नहीं देनी तू। अब बोल। मैंने थिएटर कंपनी ज्वाइन किया है, जहाँ पे मुझे पुलिस वाले का रोल मिला है, इसलिए मैं इस यूनिफॉर्म में आई हूँ। क्यों, किसी की सलाह क्यों नहीं लेती, ये सब क्यों करती है? अरे मैं क्यों किसी की सलाह लूँ, मैं अपनी दिल की सुनती हूँ। कटरीना मैम, मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले ना अपनी दिल की सुनो। तेरे पापा ने तेरी मम्मी की सुनी होती ना, तो आज तू नहीं होती।
पहले डिसाइड कर ले, तुझे होटल चलाना है, नाटक करने करना क्या है तुझे? ये एक्चुअली होटल चिल पैलेस मेरा होटल है, और पता नहीं क्यों इसे प्रॉब्लम है। सुनील शेट्टी को देखो, मिथुन चक्रवर्ती को देखो, वो होटल इंडस्ट्री में भी है और एक्टिंग भी कर रहे हैं। उनके दोनों काम अच्छे चल रहे, तेरा कोई एक भी नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी, किसने कहा नहीं चल रहा? सर जब से मैंने फॉरेस्ट थीम रखा है ना होटल का, होटल फुल जा रहा है, फुल। आपको पता है कटरीना, ये इसने ना 4 सांप पाल रखे हैं, हैं? उनको भेजती आस पड़ोस में, जाओ दूध पी के आओ, फिर जब वो दूध पी के आते हैं ना, पकड़ के निकाल लेती, कहती चलो। तू करने क्या आई इधर? सर रोहित सर आपके दोस्त हैं, मेरा नाम आप रेकमेंड कर दीजिए। देखिए मैं पुलिस की वर्दी में ऑलरेडी हूँ, तो लुक टेस्ट तो हो गया मेरा, तो आप उन्हें प्लीज मेरा नाम रेकमेंड कर दीजिए। ये ले, जो तू लेने आई तू ले और जा। लव यू लव यू लव यू। अरे कपिल बड़ो, क्या पर्सनैलिटी लग रहे बड़ो। अरे तू क्या एक्टिंग सीखने का बात कर रहे थे बड़ो? जान कैसी है? मैं तेरे को हीरोइन बनाऊंगा। मतलब आप फिल्म बना रहे हैं? नहीं, मैं पाया सूप बना रहा हूँ। येड़ी क्या यार, किधर से उठा के लाया इसको बेड़ू? क्या बोलती? अरे ओ टॉर्टोइज अंकल, किधर जा रहा है बेड़ू? आप फिल्म बना रहे हो ना? हाँ बना रहा हूँ। मुझे हीरो ले लो। आप मारेंगे पहले कि मैं मारूं? बेड़ू शक्ल देखिए अपने। अच्छा सिर्फ शक्ल से प्रॉब्लम है, उसके नीचे ये बॉडी चलेगी? जग्गू दादा, आपकी फिल्म में अगर ये हीरो है तो मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगी। क्या बात कर रही है जान? ए, तू ही मेरा हीरो है। हाँ, नहीं, सॉरी, करूंगी। फिल्म में अगर आप मुझे हीरो ले रहे हैं, मेरे कुछ शर्तें हैं। अच्छा क्या है? पहले तो मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं किसी को सीन नहीं करूंगा, ना ही सेट पे किसी को करने दूंगा। अच्छा हाँ, ये मेरी शर्तें हैं, और बिकनी के बारे में सोचना भी मत। एक मिनट, अगर इसकी शर्तें हो सके तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बैकअप कल आप ये टाइम आगे लगे इसकी शर्तें सुनेंगे बेड़ो। क्या बेड़ो बारे मत सुनिए बेड़ू जी, आप फिल्म की कहानी सुनाइए, स्टोरी क्या है? बेड़ो मैं स्टोरी सुना दो, तेरा सीन सुना दो, इंट्रोडक्शन। लवली, जैसे अक्षय सर का होता ना पिक्चर में बेड़ू। हाँ पहला सीन है हेलीकॉप्टर पे तू लटका हुआ है, ठीक है? True good. ये पहला शॉट लेता हूँ मैं। एक मिनट, हेलीकॉप्टर से लटकाऊं तो शॉट ऐसे नहीं होगा, शॉट ऐसे होगा। अबे तू लटकेगा तो हेलीकॉप्टर उड़ थोड़ी पाएगा बेड़ू। ए हेलीकॉप्टर इधर नीचे रेंग रहा है, ऐसा ऐसा करके पायलट की वाट लग चुकी है, पंखा टूट चुका है, और वो टेबल फैन से हेलीकॉप्टर चला रहा है सर। बोलो, समझा? ये क्या सीन हुआ? अरे आपको रोमांटिक फिल्म बनाई ना, जैसे DDLJ में वो ट्रेन चल रहा है स्लो मो में, वैसा एकदम रोमांटिक चाहिए। हाँ। ये DDLJ, मैं शाहरुख खान लगता भी हूँ। हाँ? ज्यादा टाइम खोती मत कर, सुन मैं तेरे को DDLJ का सीन है पिक्चर के अंदर, ठीक है? तू ऐसा ट्रेन में खड़े लाए, हाँ, और उधर से हीरोइन भाग कर आती है ऐसा, और तू उसको हाथ देता है। नहीं नहीं, इसको हाथ क्यों दूंगा मैं? अबे तो इससे प्यार करता है। नहीं नहीं, कैटरीना कैफ जी यहाँ बैठी है, मैं इससे प्यार क्यों करूं? अक्षय कुमार यहाँ बैठे, मैं इससे प्यार करूं? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि अक्षय कुमार जी तुमसे प्यार करेंगे? तुम कैसे सोच सकती हो कि कैटरीना कैफ तुमसे प्यार कर सकती है? अरे बस करो रे, बस करो, बस करो, क्या यार तुम लोग। बस एक बार जोरदार तालियां अक्षय पाजी और कैटरीना कैफ के लिए। पाजी बहुत मजा आया, कैटरीना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू अक्षय पाजी। बट मुझे एज यूजुअल हमेशा मजा आता है, लेकिन कपिल तेरे साथ ये लोग जो काम करते हैं, जैकी दादा की जो एक्टिंग करके दिखाते हैं, सुपर कृष्णा, और इसने जो नया किरदार पकड़ा है, मतलब बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर, और ये जो कुछ नहीं कर पाती। मतलब अगली बारी जब आएंगे तू और मैं मिलके इनका मजाक उड़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी और कैटरीना के लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। दोस्तों त्योहारों का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।